हे गाइस, अभी हम आए हैं स्टेपल्स। ये यहाँ का एक स्टोर है जहाँ पे फोटोकॉपी और प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है। इन पर मेनली फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, पोस्टर्स प्रिंट कराना, फोटोज़ प्रिंट कराना, और इनका स्टेशनरी का बहुत बड़ा स्टोर है। तो ये सब चीज़ें इनके स्टोर पर अवेलेबल होती हैं। और ये बहुत बड़ा ब्रांड है और ये US, कैनेडा में हर एक एरिया में मिल जाएगा। और यहाँ पर फोटोकॉपी के बड़े पंगे, क्योंकि अपनी तरह यहाँ छोटी छोटी दुकानें नहीं होती। तो ले दे के स्टेपल्स ये, इसके अलावा मुझे कोई कुछ नहीं मिला जिस पे हम फोटोकॉपी वगैरह करा सकें। तो मुझे एक प्रिंट आउट लेना था और ले दे के एक यही स्टेपल्स है आसपास। और अगर ये बंद मिलता है या इसमें कुछ खराबी मिलती है तो 7-8 किलोमीटर दूर जाके एक और स्टेपल्स है, उस पे जाके फिर फोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। स्टेपल्स में आप फोटो एल्बम, कैलेंडर, बिजनेस कार्ड्स, मग या किसी और आइटम पे फोटो प्रिंट करवानी हो, इस जैसे बहुत काम करवा सकते हो। साथ ही यहाँ पर स्टेशनरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑफिस सप्लाई से लेके होम अप्लाइंस तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सेक्शन है फोटोकॉपी एंड प्रिंटिंग के सेल्फ सर्विस का, जिसमें ये मशीनें लगी हुई हैं प्रिंटिंग के लिए। मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जाते ही। फिर ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, USB से करना है, गूगल ड्राइव से करना है, ड्रॉप बॉक्स से करना है। मैंने गूगल ड्राइव सेलेक्ट किया। फिर आपका कार्ड मांगेगा तो फिर क्रेडिट कार्ड एंटर करना है और पेमेंट अप्रूव करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके गूगल में लॉगिन करने का बोलेगा। और मेरा इसमें लॉगिन नहीं हुआ क्योंकि मैंने 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, तो सिक्योरिटी ज़्यादा है उसकी। अभी दूसरे तरीके से प्रिंट आउट लेंगे। एक ऑप्शन होता है प्रिंट मी, इसमें क्या होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट ईमेल करना होता है staplesmobile@printme.com पर। फिर उसी मेल के रिप्लाई में आपको एक 8-डिजिट अल्फानुमेरिक कोड आएगा, वो यहाँ पर आपको डालना होता है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट उन्हें मेल किया था वो डाउनलोड होके यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है या कलर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट कलर्ड सेलेक्ट होता है, कलर्ड के ज़्यादा पैसे होते हैं तो ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इसमें पेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है और नेक्स्ट करने पर आपके इस चीज़ के कितने पैसे लग रहे हैं वो आ जाएगा, और उसके बाद आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। अब एंड सेशन कर सकते हैं या फिर कोई और प्रिंट कर सकते हैं या फोटोकॉपी कर सकते हैं। और सर्विस चार्ज इनका $1 लगता है। उसके बाद जो भी $1 तो मतलब मिनिमम लगते ही हैं, और उसके बाद जितने भी प्रिंट करवाते हो तो पर पेज के हिसाब से लगते हैं। तो इस पेज के 19 सेंट लगे हैं, 2 सेंट टैक्स, तो 21 सेंट इस प्रिंट के और $1 सर्विस चार्ज, तो टोटल $1.21 लगे हैं। तो अभी यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर का सीज़न चल रहा है, तो सबने अपने अपने घर सजा रखे हैं। कईयों ने तो बहुत ही ज़बरदस्त सजा रखे, तो अपने मोहल्ले में हम दिखाते हैं चलो आपको कि किसने सबसे बढ़िया सजा रखे हैं। यहाँ किसी ने ज़बरदस्त डेकोरेशन कर रखी है, चलिए बाहर निकल कर देखते हैं। अरे वाह, लाजवाब। ये हर एक साल ऐसा डेकोरेशन करते हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन कर रखा था। वाह, और एक इन्होंने भी बहुत बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ पर कैपिटलिज्म भी इतना ज़्यादा है कि छोटी मोटी दुकानें तो धीरे धीरे बंद ही हो गई हैं, बड़े बड़े स्टोर्स आ गए जैसे वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, स्टेपल्स, ये सब। इनके आने से छोटे छोटे बिजनेस तो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं। पुराने टाइम से रहने वाले बताते हैं कि पहले छोटी छोटी मार्केट्स, छोटी छोटी दुकानें होती थी, लेकिन इन सब सुपर स्टोर्स के आने के बाद धीरे धीरे बंद हो गए। कैपिटलिज्म का ये तो नुकसान है कि कुछ परसेंट लोग ही मालिक रह जाते हैं और बाकी सब फिर उनमें जॉब करते हैं उनके अंडर। लेकिन यहाँ देखा जाए तो लोगों की इनकम फिर भी अच्छी है और लाइफ काफ़ी अच्छी है, तो इतना बुरा भी नहीं है। वही बात है, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है।
अभी चालान भर देते हैं, जो टिकट परसों मिली थी पार्किंग टिकट, और ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और एक हफ्ते में नहीं भरा तो फिर $15-20 एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।